Hello and welcome back everyone. So this is part 3 of the prelims question paper 2020 ka jo question paper hai set B hum analyze kar rahe hain. 17th question se resume karenge discussion ko. In the context of recent advances in human reproductive technology, pro-nuclear transfer is used for A. Fertilization of egg in vitro by the donor sperm, genetic modification of sperm producing cells, development of stem cells into functional embryos, prevention of mitochondrial diseases in the offspring. So again, biology ka question. Answer to this question number 17 is D. D for Delhi. And jo aapka 18th question hai, usko bhi ye sari explanation aap dekh sakte ho www.jatinvarma.org se PDF download kar sakte ho guys. Ya fir Telegram channel Jatin Verma 71 se aap isko pura analysis iska answer ki शाम को इसको डाउनलोड कर सकते हो. वैसे आंसर की जितनी अभी हमने करी है 50 क्वेश्चंस तक की, वो भी इस टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी. आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर रेगुलर अपडेट्स एज वेल. नाउ कमिंग टू द अदर एस्पेक्ट्स, क्वेश्चन नंबर 18, विद द प्रेजेंट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन इफेक्टिवली डू विच ऑफ द फॉलोइंग. तो अप्लाइड साइंस के भी कुछ क्वेश्चंस आप यहां पे देख सकते हो. Bring down the electricity consumption in industrial units. Create meaningful short stories and songs. Then disease diagnosis. Text to speech conversion. Wireless transmission of electrical energy. Wireless transmission of electrical energy. Is it possible today? तो आपको ये बताना है. Now, answer to question number 18 is C. जैसा मैंने बताया कि हमेशा ये गैस वर्क काम नहीं करता, क्योंकि यहां पे यू हैव टू अप्लाई योर माइंड. वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब ये हुआ कि क्या आप अपने सेल फोन, अगर ये मेरा मोबाइल फोन है तो क्या मैं अपना मोबाइल फोन बिना किसी वायरलेस के क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर कर सकता हूं? नहीं है ना. तो इसीलिए हमेशा ये टेक्निक तुक्के वाली काम नहीं करेगी कि हमेशा डी 1 2 3 4 5 ऑल आर करेक्ट. हमेशा ये टेक्निक सही नहीं होती, तो थोड़ा थोड़ा एप्लीकेशन ऑफ माइंड साथ में चाहिए होगा. You can read this entire thing by downloading the PDF. जो explanation है मैं उसपे नहीं जाऊंगा, because then it will become very much time taking. With reference to visible light communication technology, which of the following statements are correct? Again, physics का question. VLC uses VLC uses electromagnetic spectrum wavelengths 375 to 780 nm. VLC is known as long range optical wireless communication. VLC can transmit large amounts of data faster than Bluetooth. VLC has no electromagnetic interference. Select the correct answers using the code given below. A. 1, 2 and 3 only. A. 1, 2 and 3. तो आंसर बताइए इसका, अगर जिन लोगों को पता है, जो लोग खासकर कुछ ऐसे स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे थे लेकिन प्रीलिम्स देने नहीं गए. बहुत बार ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनके लिए. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन नंबर 19 इज सी. विजिबल लाइट कम्युनिकेशन इज अ डेटा कम्युनिकेशन वेरिएंट व्हिच यूजेस विजिबल लाइट बिटवीन 400 एंड 800 THz, राइट, 780 टू 375 nm. तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो जाता है, सही हो जाता है, सॉरी. 1, 3 एंड 4 इज द आंसर फॉर दिस, राइट. नाउ 19th का आंसर हो गया सी. टिपिकल फिजिक्स का क्वेश्चन है. देन कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 20, विद रेफरेंस टू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ब्लॉकचेन काफी ज्यादा करंट अफेयर्स में, न्यूज में भी था. इट इज अ पब्लिक लेजर दैट एवरीवन कैन इंस्पेक्ट विच नो सिंगल यूजर कंट्रोल्स. बिटकॉइन के चलते और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जो स्विफ्ट PNB स्कैम हुआ था उसके चलते भी ये न्यूज में थी कि बैंकिंग में इसे लाया जाए या नहीं लाया जाए. द स्ट्रक्चर एंड डिजाइन ऑफ ब्लॉकचेन इज सच दैट ऑल द डेटा इन इट आर अबाउट क्रिप्टो करेंसी ओनली. एप्लीकेशंस दैट डिपेंड ऑन बेसिक फीचर्स ऑफ द ब्लॉकचेन कैन बी डेवलप्ड विदाउट एनीबॉडीज परमिशन. एप्लीकेशंस दैट डिपेंड ऑन बेसिक दिस फीचर्स, बेसिक फीचर्स ऑफ ब्लॉकचेन कैन बी डेवलप्ड विदाउट एनीबॉडीज परमिशन. कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी है नहीं वैसे, फिर भी आई गिव यू 2 मिनट्स टू आंसर दिस क्वेश्चन क्विकली.
So the answer to question number 20 is D. 1 and 3 are correct, right? Second thing, second statement, structure and design is such of the blockchain is such that all the data in it are about cryptocurrency only. This is wrong. Kyun? Kyunki blockchain mein cryptocurrency ke alawa maine bataya ki PNB mein jo Swift jo Nirav Modi scam hua tha uske chalte ye cheez jo hai blockchain technology ko lagane ki baat ki gayi thi banking transactions mein bhi. Now coming here to the other aspects, a parliamentary system of government is one in which all political parties in the parliament are represented in the government. Kya sabhi political parties sarkar mein represented hoti hain? Galat. Right, government is responsible to the parliament and can be removed by them. Government is responsible to the parliament and can be removed by the parliament. Yes, government is elected by the people and can be removed by them. Government is elected by the people and can be removed by people. Answer batao. Option B or C may confusion create ho jata hai. Government is chosen by the parliament but cannot be removed by पार्लियामेंट बिफोर इट्स कंप्लीशन ऑफ अ फिक्स टर्म. इट कैन बी रिमूव. तो ये तो बिल्कुल ही गलत है. यानी कि बी और सी में गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड कैन बी रिमूव्ड बाय देम. तो वी विल गो फॉर आंसर क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर. 21 का आंसर रहेगा बी. राइट. क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट कैन बी रिमूव्ड. अब देखो यहाँ पे बी और सी में थोड़ा सा क्लैश रहेगा. ठीक है, तो ये यूपीएससी के क्वेश्चन की नेचर रहती है. अब ये देखना होगा कि यूपीएससी क्या डिसाइड करती है. आंसर बी और सी दोनों इक्वली करेक्ट है. मेरे हिसाब से इसका आंसर सी होना चाहिए, लेकिन हमने अपनी ऑफिशियल आंसर की में बी एज एन आंसर दिया है. राइट. सो दिस इज देयर. देन कमिंग टू 22, व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स द आइडियल्स ऑफ वेलफेयर स्टेट. तो ये मैं चीजें पॉलिटी के कोर्स में डील करता हूं गाइज, इवन दो इट्स अ वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन. तो वेलफेयर स्टेट के आइडियल्स कहां कहां दे रखे हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में बिल्कुल दे रखे हैं. फंडामेंटल राइट्स में वेलफेयर स्टेट क्या कहीं पे दे रखा है? वेलफेयर स्टेट फंडामेंटल राइट्स में. प्रीएम्बल वेलफेयर स्टेट की बात करता है. सिंपली हम इसमें अगर कंफ्यूजन को अवॉइड करें तो आंसर इसका ए इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर. राइट. तो कभी कभी क्या होगा कि कंफ्यूजिंग लगती है सारी ऑप्शंस. प्रीएम्बल में भी कुछ कुछ बातें कही है. सेवंथ स्केड्यूल यानी कि लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, उसमें भी ये चीजें लिखी गई हैं. लेकिन सिंपल आंसर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ए रहेगा इसमें. क्वेश्चन नंबर 23, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस इट्स बेसिक स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ फेडरलिज्म. फेडरलिज्म में बेसिक स्ट्रक्चर में आता है कि नहीं? बहुत ही डिटेल में मैंने समझाया था. अभी जो लोग लेटेस्ट मेरा पॉलिटी का बैच एक्सेस कर रहे हैं jatinvarma.org पे, उनको पता होगा ये. एंड फंडामेंटल राइट्स एंड डेमोक्रेसी. Then Constitution of India provides for judicial review to safeguard the citizens' liberties. Citizens' ki liberties ko bachaye rakhne ke liye and to preserve the ideals on which the Constitution is based. Second statement is correct. Constitution ka basic defines its basic structure. Constitution apna kya Constitution mein basic structure defined hai? To answer is B2 only. Basic structure is not defined in the Constitution. It is inferred. It has been devised by, it has been created, something that has been created by judiciary. तो पढ़ते टाइम अगर आप केयरफुल हो तो ठीक है, नहीं तो फिर गलती कर बैठोगे. राइट. तो ये एक दिक्कत है यहाँ पे. क्वेश्चन नंबर 24, वन कॉमन अग्रीमेंट बिटवीन गांधीज्म एंड मार्क्सिज्म इज ए द फाइनल गोल ऑफ अ स्टेटलेस सोसाइटी. मार्क्सिज्म, अब ये आपका GS मेन्स पेपर 1 की प्रिपरेशन, इसीलिए मैं हमेशा ये कहता हूं कि देर इज नो डायकॉटमी, देर इज नो सच डिफरेंस बिटवीन द प्रीलिम्स एंड द मेन्स प्रिपरेशन एज इज क्रिएटेड बाय मेनी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एंड मेनी एक्सपर्ट्स. पीटी के लिए अलग तैयारी है, मेन्स के लिए अलग तैयारी है, ये भ्रम क्रिएट किया जाता है. तो ये जो वेस्ट ऑफ टाइम है इसे आपको बचना होगा. ये सिंपल कार्ल मार्क्स और गांधीज्म GS मेन्स पेपर 1 का टॉपिक है. तो ये क्वेश्चन था. आंसर है इसका 24 का ए. देर इज अ ग्रेट सिमिलैरिटी बिटवीन महात्मा गांधी एंड कार्ल मार्क्स. हाउएवर व्हाइल द फाइनल एम ऑफ बोथ ऑफ देम वाज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ स्टेटलेस एंड क्लासलेस सोसाइटी. 25, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक अप्रोप्रिएट फॉर ब्यूरोक्रेसी. एन एजेंसी फॉर वाइडनिंग द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, एन एजेंसी फॉर स्ट्रेंथनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ फेडरलिज्म.
इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ब्यूरोक्रेसी का कैरेक्टरिस्टिक जो अप्रोप्रिएट बैठता है, हमारे यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी कैसी होनी चाहिए, क्या ब्यूरोक्रेसी को एक एजेंसी लिया जाना चाहिए विच इज क्रिएटेड फॉर वाइडनिंग द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और एन एजेंसी फॉर स्ट्रेंथनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ फेडरलिज्म, एन एजेंसी फॉर फैसिलिटेटिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, एन एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। मोस्ट अप्रोप्रिएट इसमें क्या है, अगर आप इंडिया में देखें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, क्योंकि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस में कंफ्यूजन रहेगी, हम भी सही नहीं कह सकते इसको कि ये क्वेश्चन का आंसर सी होगा या बी होगा, बिकॉज लास्ट मोमेंट पे ये पता लगता है यूपीएससी क्या डिसाइड करती है। तो आंसर इसका है डी, ऑफिशियली हम ये कह रहे हैं फॉर इंप्लीमेंटेशन, बट एजेंसी फॉर फैसिलिटेटिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी इक्वली करेक्ट है। क्यों? क्योंकि जब फाइव ईयरली इलेक्शंस होते हैं तो फॉर द ट्रांजिशनरी टाइम पीरियड दिस हैज टू बी देयर, राइट? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज मेंटेन्ड बाय द ब्यूरोक्रेसी बाय फैसिलिटेटिंग द ट्रांजिशन फ्रॉम कांग्रेस गवर्नमेंट टू बीजेपी गवर्नमेंट, क्लियर? बट ये भी इक्वली करेक्ट है, तो ऑफिशियल आंसर की के वैसे ही पता लगेगा कि इसका आंसर सी होता है या डी होता है। 7 से 10 क्वेश्चन हर साल ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ यूपीएससी को ही पता होता है कि इनका सही आंसर क्या होगा। नाउ देन कमिंग ईयर 26, द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट। ये कहना गलत होगा क्योंकि अगस्त 2017 की राइट टू प्राइवेसी जजमेंट में जुडिशरी ने, सुप्रीम कोर्ट ने प्रीएम्बल को भी सहारा लेते हुए राइट टू प्राइवेसी डिक्लेयर किया था, राइट? तो ये छोटी छोटी चीजें आप न्यूज आर्टिकल से कैसे समझ सकते हो। प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज नो लीगल इफेक्ट। दिस इज देयर अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज सेम लीगल इफेक्ट एज एनी अदर पार्ट एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट्स। नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली मतलब बिना और पार्ट्स को रीड किए प्रीएम्बल का कोई और इफेक्ट नहीं हो सकता। फोर्थ सीम्स टू बी द करेक्ट आंसर, राइट? 26 का आंसर होगा डी, बिना किसी और पार्ट के साथ। अब जैसा मैंने आपको बताया कि जुडिशरी ने अगस्त 2017 में या कभी भी कह लो कोई जजमेंट आती है, राइट टू प्राइवेसी जजमेंट जब अगस्त 2017 में आई थी तो उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने ये रीड किया आर्टिकल 21 के साथ, यानी कि किसी और पार्ट का सहारा लेना पड़ा। इंडिपेंडेंटली प्रीएम्बल की अपनी कोई वैल्यू इतनी नहीं है लीगल इफेक्ट के टर्म्स में, ठीक है? अब आप यहां पे देखोगे कि आर्टिकल 21 प्लस प्रीएम्बल अपने आप में स्टैंड अलोन वे में प्रीएम्बल को लीगली साइट करके प्रीएम्बल का हवाला देते हुए प्रीएम्बल में लिखी गई बातों को इंप्लीमेंट नहीं करवाया जा सकता। हाँ, लेकिन फंडामेंटल राइट्स या कोई और आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उसी बात को दोहराता है तो उसका सहारा लेके प्रीएम्बल को ये चीज प्रीएम्बल में लिखी गई चीजों को इंप्लीमेंट करवाया जा सकता है, स्टैंड अलोन वे में नहीं करवाया जा सकता है। एम आई क्लियर? ये पूरी चीज आप पढ़ोगे LIC एटसेट्रा, ये मैं अपनी पॉलिटी की क्लासेस में गाइस पढ़ाते हुए आ रहा हूं। कोई और क्लास ज्वाइन करो नहीं करो पॉलिटी एंड इकोनॉमी इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स अंडरलाइंग पॉलिटी एंड इकोनॉमी यू कैन ज्वाइन माई क्लासेज ऑन www.jatinvarma.org। I'm not teaching on any other academy or any other online platform. I'm teaching only on my own website. You can download the app, JV's IAS app है, Google Android Play Store से आप इसे download कर सकते हो JV's app को, right? 27. Gold tranche, reserve tranche refers to a loan system of the World Bank. One of the operations of the Central Bank. A credit system granted by WTO to its members. A credit system granted by IMF to its members. Simple question. Batao. So, Brijesh, it is a paid course. 27. It is the amount of gold that each member country of IMF contributes as a part of its membership obligation. Factual tha ye question bilkul hi. तो बिल्कुल फैक्चुअल प्योरली। नाउ विद रेफरेंस टू द प्रोविजन कंटेन्ड इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। तो दे शैल बी एनफोर्सिएबल बाय कोर्ट्स, दे शैल नॉट बी एनफोर्सिएबल बाय एनी कोर्ट। द प्रिंसिपल्स लेड डाउन इन दिस पार्ट आर
to influence the making of laws by the state. Principles laid down in this part are to influence the making of laws. Part 4 क्या है? Directive principles. ठीक है? They are not enforceable by courts. Directive principles court द्वारा enforce नहीं किए जा सकते. ठीक है? तो ये statement ठीक है. Second statement are to influence. Statement 2 and 3 are correct. अब इसमें ऐसा कोई option नहीं है. I think there is a mistake in typing the question. एक बार इसका explanation देख लेते हैं. Answer रहेगा इसका D. 28 का आंसर रहेगा डी. द प्रिंसिपल्स लेड डाउन इन दिस पार्ट आर टू इन्फ्लुएंस. टू एंड थ्री स्टेटमेंट जो यहां पे दी गई है वो करेक्ट है. एक बार देख लेना आंसर इसका. लेकिन आंसर टू एंड फोर है. यानी कि यहां पे एक स्टेटमेंट हमसे मिस हुआ है. सॉरी फॉर दैट. देन कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 29. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अ पर्सन हु इज एलिजिबल टू वोट कैन बी मेड अ मिनिस्टर इन अ स्टेट फॉर 6 months इवन इफ ही और शी इज नॉट एन MLA. राइट. Not an elected representative. A person who is eligible to vote. ये बात बिल्कुल ठीक है. क्यों? अगर मैं मान लो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को मेरी पॉलिटी की नॉलेज के चलते मैं पसंद आ जाता हूं. ठीक है? कि मान लो कि चलो ठीक है. तो इवन इफ आई एम नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा और राज्यसभा, इवन इफ आई एम नॉट अ नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, देन ऑल्सो आई कैन बी अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर. ठीक है? तो ये स्टेटमेंट ठीक है. अकॉर्डिंग टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, a person convicted of a criminal offense and sentenced to imprisonment for 5 years is permanently disqualified from contesting. ये अभी गलत हो जाएगा. क्यों? क्योंकि अभी electoral reforms के चलते Supreme Court में ये case pending पड़ा है. This case is lying in the Supreme Court. It's sub judice. अभी क्या है? RPA के तहत अगर किसी person को कोई भी करप्शन के चलते कोई भी सजा मिलती है 2 साल से ज्यादा की, जैसे कि शशिकला जयललिता केस में शशिकला को, या चारा खाने वाले लालू प्रसाद यादव जो आज जेल में है, नहीं खा गए थे चारा वो सही में, राइट. तो उस केस में क्या होगा? जो चारा घोटाला है या कोई भी करप्शन है या क्राइम अगेंस्ट वुमेन है जिसमें 2 साल से ज्यादा की सजा है, तो 2 साल की सजा प्लस 4 साल का बैन है. लाइफ टाइम बैन के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी एक गुजारिश, अभी एक पेटिशन सुप्रीम कोर्ट में भेज रखा है, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का अभी डिसीजन नहीं आया है. क्लियर? सो आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी डी, नीदर वन नॉर टू. यहां पे शायद एक स्टेटमेंट मिसिंग है, इवन इफ ही शी इज कन्विक्टेड होगा यहां पे, राइट. तो ये चीज है. आंसर इसका है नीदर वन नॉर टू. क्लियर? सो दिस इज देयर. सॉरी. यस. ठीक है? तो दिस इज देयर 29 का आंसर. सेक्शन 8 ऑफ RPA क्या कहता है? अगर किसी को 2 साल से ज्यादा की सजा हुई है तो ये चीज रहेगी. ठीक है? ऐसे पढ़ के जाओगे अगर पॉलिटी को अच्छे से, तो या इकोनॉमी को या किसी भी सब्जेक्ट को, तो आपकी प्रिपरेशन जरूर सॉलिड रहेगी. और कोई भी कितना भी टफ एग्जाम क्यों नहीं हो जाए, अटेम्प्ट जरूर करके आओगे, ये मैं दावा कर सकता हूं इसमें. नाउ कमिंग हियर, हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स रहता है गाइस. आई टीच इन द मैनर इन विच आई एम टीचिंग राइट नाउ. ठीक है? तो इंटीग्रेटेड GS बैच है हमारा, जिसमें कि मैं सारी क्लासेस वगैरह ले रहा हूं. तो आप इसको वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हो, www.jatinvarma.org पे. और डेली मॉर्निंग आप इसी यूट्यूब चैनल पे डेली न्यूज एनालिसिस भी देख सकते हो. इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर रेगुलर अपडेट्स. jatinvarma.org, दिस इज द वेबसाइट यू नीड टू रेफर फॉर माय कोर्सेज. यहाँ पे लाइव कोर्सेज और रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल रहती हैं. देन कमिंग टू द अदर क्वेश्चन नंबर 30, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन अ सेशन ऑफ द पार्लियामेंट एट सच प्लेस एज ही थिंक्स फिट. जस्ट गिव मी 1 मिनट गाइस. OBS. So, consider the following statements. The President of India can summon a session of the Parliament at such place as he thinks fit. As he or she thinks fit. ये question कहाँ से आया है? राजस्थान में crisis चल रहा था, जिसमें कि अशोक गहलोत
सेशन करवाना चाहते थे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सेशन बुलाना चाहते थे लेजिस्लेटिव असेंबली का, लेकिन गवर्नर ने नहीं बुलाने दिया। अब आप ध्यान से देखना, जो मैं इतने एम्फेसिस दे के ये चीजें समझाता हूं डीएनए में या अपने करंट अफेयर्स के कोर्स में, गवर्नर का क्वेश्चन था लेकिन प्रेसिडेंट के वे में पूछा गया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जहां मन करे, होटल अशोक में, होटल लीला में या किसी और जगह अगर रासलीला करवानी हो पार्लियामेंट की, तो प्रेसिडेंट करवा सकते हैं। दूसरा ट्रिगर फैक्टर, आई ऑलवेज टेल माय स्टूडेंट्स कि आप ट्रिगर फैक्टर के पीछे जाइए। ट्रिगर फैक्टर क्या था यहां पे? दूसरा ट्रिगर फैक्टर ये था कि जो पार्लियामेंट का सेशन अभी नहीं होने दिया जा रहा था, आर्टिकल 85 मैंने चिल्ला चिल्ला के अपनी क्लासेस में समझाया था, जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा कि क्या चीजें हमने डिस्कस करी थी। पार्लियामेंट का जहां पे सेशन कराने का मन करे प्रेसिडेंट का, वहां पे करवाया जा सकता है। ये जरूरी नहीं कि लोकसभा में ही सेशन करवाया जाएगा। तीसरी चीज, अभी जैसे पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बनाई जा रही है, तो पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग जब बनेगी तो पार्लियामेंट का सेशन शायद उस लोकसभा में ना हो पाए, कहीं और करवाया जा सके। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन अ सेशन ऑफ पार्लियामेंट, लेकिन दिस पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ डिपेंडेंट पावर, डिपेंडेंट पावर यानी कि प्रेसिडेंट की ये पावर डिपेंड करती है किस पे? एड एंड एडवाइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, राइट। सेकेंड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर 3 सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट इन अ ईयर, बट इट इज नॉट मैंडेटरी टू कंडक्ट ऑल द 3 सेशंस। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 85 में स्टूडेंट्स ये लिखा है कि पार्लियामेंट के सेशंस के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो अगर हम कायदे से देखें तो हाँ, 6 महीने के गैप में 2 सेशंस भी करवाए जा सकते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन, अब मूट क्वेश्चन ये है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि 3 सेशन होने चाहिए? नहीं लिखा। रूल्स ऑफ लोकसभा में लिखा है, राज्यसभा में लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा। रूल्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा में लिखा है, राइट। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा। देर इज नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज, चिल्ला चिल्ला के ये भी मैंने बोला था कि यदि इंडिया में क्रिश्चियनिटी के लिए कैलेंडर है कि क्रिसमस कब होगा, ईस्टर कब होगा, हिंदुइज्म के लिए कैलेंडर है कि दिवाली कब होगी और होली कब होगी, इस्लाम के लिए कैलेंडर है कि बकरीद कब होगी, लेकिन पार्लियामेंट का सबसे बड़ा जो टेंपल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर, इंडियन हमारी जो स्टेट क्राफ्ट है उसका जो सबसे बड़ा टेंपल है पार्लियामेंट, उसका कैलेंडर ही नहीं है। कब उसका सेशन होगा, कब नहीं होगा, किसी को नहीं पता, सब गोलमाल है, ये समझाया गया था, राइट। तो अब इसका आंसर देखते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है। स्टेटमेंट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, 30 का सी होना चाहिए। यस, आंसर इज सी। ठीक है, तो ये आप पढ़ोगे अच्छे से, इस डिटेल के साथ अगर लेके जाओगे तो गाइस प्रीलिम्स ही नहीं मेंस भी फोड़ के आओगे, ये मैं दावा कर सकता हूं, राइट। नाउ कमिंग हियर, क्वेश्चन नंबर 31, आधार मेदांता कैन नॉट बी स्टोर, आधार डेटा कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर मोर देन 3 मंथ्स, स्टेट कैन नॉट एंटर इंटू एनी कॉन्ट्रैक्ट विद प्राइवेट कॉर्पोरेशन फॉर शेयरिंग ऑफ आधार डेटा, स्टेट कैन नॉट एंटर इंटू एनी कॉन्ट्रैक्ट विद प्राइवेट कॉर्पोरेशन। कहां का केस है ये? जो लोग डीएनए सुन रहे थे कान खोल के सुन लो अब दोबारा से। केरला में क्या हुआ था कि स्टेट ने प्राइवेट कॉर्पोरेशन के साथ कौन सा डेटा शेयर किया था? COVID-19 का डेटा शेयर किया था, राइट। COVID-19 का डेटा उस प्राइवेट एजेंसी से लीक हो गया था। तो ये सारी चीजें एनी कॉन्ट्रैक्ट स्टेट कर सकता है या नहीं, उस टाइम पे ये चीजें न्यूज में और एडिटोरियल्स में आ रही थी, जो कि मैंने इसी तरह से इम्फेसिस देके समझाई थी। गाइस, जिन लोगों को पता हो तो बहुत अच्छी चीज है, नहीं तो फिर आधार इज मैंडेटरी फॉर ऑब्लिगेटिंग ऑब्टेनिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। क्या आधार इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए मैंडेटरी है? नॉट नेसेसरी। ठीक है, आधार इज मैंडेटरी फॉर गेटिंग बेनिफिट्स फंडेड आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। क्या आधार मैंडेटरी है अगर आप मनरेगा के अंदर बेनिफिशियरी हो या नहीं, ये सारी चीजें चेक करते हैं अभी वन बाय वन। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, एनीबडी एनी गेसेस? तुम लोग क्वेश्चन का आंसर साथ में लिखा करो ना, ये ऑप्शन क्या है, कौन सा क्वेश्चन नंबर आंसर कर रहे हो, 420 कर रहे हो, 421 कर रहे हो, क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर करो। प्रीलिम्स में ऐसे आंसर करके आओगे? डेटा, मेटा डेटा, यस, आधार मेटा डेटा कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर मोर देन 3 मंथ्स।
So the answer to this question is 3 only, right? Aadhaar is mandatory for obtaining insurance products. Aadhaar is mandatory for getting benefits funded. Supreme Court ne bola tha section 57 galat hai Aadhaar ka, theek hai? Judgment humne discuss bhi kari apni classes mein. ये छोटी छोटी चीजें अब ये क्या है, अप्लाई किया जा रहा है इस नॉलेज को. आधार एक्ट पास हो गया, ठीक है, आपको पता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको अप्लाई करके देखोगे कि किन किन चीजों के लिए आधार मैंडेटरी है या नहीं. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर. राज्यसभा हैज इक्वल पावर्स विद लोकसभा इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर्स ऑफ क्रिएटिंग न्यू राज्यसभा, न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज. गलत, ठीक है. आर्टिकल 249, आर्टिकल 312 कम्स इनटू प्ले हियर. Amending the constitution, क्या लोक सभा और राज्य सभा की powers equal है? Yes. Removal of the government? No. लोक सभा has got more powers. क्योंकि लोक सभा कैसे बनती है? 272. सरकार कैसे बनती है? जिस political party के पास में 272 से ज्यादा seats होती हैं, वो सरकार बना ले जाती है. जैसे कि आज BJP out of 545 किसका number है? Number of MPs in लोक सभा. राज्यसभा में ये जरूरी नहीं रहता, राइट. मेकिंग कट मोशंस, कट मोशंस राज्यसभा में, कट मोशंस या किसी और तरह की मोशन बजट के ऊपर लाई ही नहीं जा सकती. इकोनॉमी कट मोशन या कोई और मोशन नहीं लाई जा सकती, पॉलिसी कट मोशन या कुछ भी, ठीक है. तो लोकसभा की पावर इस केस में ज्यादा होती है. तो कौन सा मैटर आ गया? सिर्फ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. 32 का आंसर क्या होगा? बी. क्लियर? कुछ एक्सप्लेनेशन जो था मैंने इसका एक्सप्लेनेशन आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया. नाउ कमिंग हियर क्वेश्चन नंबर 33 विद रेफरेंस टू फंड्स अंडर एमपी लैड्स. अगेन एम्फेसिस दे दे के इन्हीं क्लासेस में डीएनए पे इसी यूट्यूब चैनल पे मैंने समझाई थी ये चीजें. इनको नहीं पता, लड़ो अपने आप से एमपी लैड के नाम पे. एमपी लैड्स फंड्स मस्ट बी यूज्ड टू क्रिएट ड्यूरेबल एसेट्स लाइक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर हेल्थ एजुकेशन. नो, ड्यूरेबल एसेट क्रिएट करना कोई जरूरी बात नहीं है. एमपी लैड्स को COVID-19 के चलते सरकार के पास क्योंकि पैसे खत्म हो रहे हैं, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन है, तो इसीलिए क्या किया था, ड्यूरेबल एसेट्स क्रिएट करना जरूरी नहीं होता. अगर आप अपने एमपी के पास में जाते हो कि हमारे यहाँ पे ये नहीं है, वाटर कूलर नहीं है हॉस्पिटल में, या फिर नलका नहीं लगा हुआ, या फिर इलेक्ट्रिसिटी की वायर खराब हो गई है, या कुछ, एमपी आपकी उस रिक्वेस्ट को, आपका इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होने की हैसियत से उस रिक्वेस्ट को एंटरटेन कर पाए, उस छोटी मोटी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, इसलिए एमपी लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम के तहत 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं हर साल, ठीक है. अ स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ ईच एमपीज फंड्स मस्ट बेनिफिट SC/ST पॉपुलेशंस. इसको देखेंगे. एमपी लैड फंड्स आर सैंक्शन ऑन ईयरली बेसिस एंड अनयूज्ड फंड्स. 5 करोड़ में से अगर किसी एमपी ने 2 ही करोड़ खर्च किए हैं, अगले साल वो 3 करोड़ लैप्स होते हैं या नहीं, इस स्टेटमेंट में ये पूछा जा रहा है. डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी यानी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को एटलीस्ट 10% जो ऑल वर्क्स हैं, 10% उसका इंप्लीमेंट करने का देखना होगा कि क्या 10% काम जो हुए हैं, 100% काम में से 10% काम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को चेक करने होंगे. ये कहीं लिखा है रूल्स में या नहीं, ये पूछा जा रहा है यहां पे. अभी देखते हैं इसका आंसर वन बाय वन. डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की अथॉरिटी के बिना 1 भी रुपया खर्च नहीं किया जा सकता. एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपके जो सांसद हैं वो सिर्फ ये कहेंगे कि जाके इसको ये काम करवाइए. डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को वो लिख के भेजेंगे और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर चेक साइनिंग अथॉरिटी होते हैं, ठीक है. तो ये सारी चीजें हैं यहां पर. वन बाय वन देखते हैं इसका आंसर. स्टेटमेंट 3 को छोड़ के सारी स्टेटमेंट्स ठीक हैं, ठीक है. ईयरली बेसिस एंड अनयूज्ड फंड्स कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड. अनयूज्ड फंड्स कुड बी कैरिड फॉरवर्ड. हर साल 5 से 6 हजार करोड़ का इस पे खर्चा होता है, उसको बचाने के लिए सरकार ने, मोदी सरकार ने स्कीम ही बंद कर दी. बोले कि COVID-19 है तो पैसे खर्च तो हो नहीं पाएंगे, इसलिए बंद कर दिया जाए. गलत था यह डिसीजन. तो ये सारी चीजें हुई. अब आंसर है इसका 1, 2 एंड 4, ठीक है. एमपी लैड फंड्स आर सैंक्शन ऑन ईयरली बेसिस एंड दे आर नॉन लैप्सेबल, ठीक है. और बाकी सारी स्टेटमेंट्स आपकी ठीक है. करेक्ट आंसर बताना था आपको. तो अच्छा क्वेश्चन था. क्वेश्चन ये था क्वेश्चन आपका पॉलिटी का, लेकिन करंट अफेयर्स से. ये बातें आपकी लक्ष्मीकांत में नहीं दे रखी, तो इन सब चीजों के लिए यू कैन कंसिडर ज्वाइनिंग माई इंडियन पॉलिटी कोर्स एज वेल. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट इनकॉर्पोरेट्स
प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। बहुत अच्छे से मैंने ये सर्कल ड्रॉ करके, जो लोग मेरे कोर्सेज को देख रहे हैं पॉलिटी के, जो पहले से स्टूडेंट्स रह चुके हैं, तो मैंने ये बहुत अच्छे से समझाया था कि कैसे फंडामेंटल राइट्स, कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमें डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ, अनटचेबिलिटी के खिलाफ प्रोटेक्शन देते हैं। अभी एक स्टूडेंट ने भी, जैसे ही प्रीलिम्स ओवर हुआ, एक स्टूडेंट ने भी मैसेज किया एग्जामिनेशन हॉल से, जो कि मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया है कि जिस वजह से पॉलिटी मैंने समझाई है उसका इन सारे क्वेश्चंस में बहुत बेनिफिट हुआ है स्टूडेंट्स को। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यस। राइट टू फ्रीडम, क्या राइट टू फ्रीडम आपको डिस्क्रिमिनेशन से बचाता है? एक तरह से यस। क्यों? क्योंकि अगर किसी ऊंची जाति के, किसी हायर कास्ट या हायर क्लास के व्यक्ति को, अमीर व्यक्ति को जो फैसिलिटीज हैं वो गरीब को भी हैं, राइट? तो इसलिए ये चीज है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आप सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हो अपनी दलील लेके, आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 के तहत, ठीक है। राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19, यस, ठीक है। तो क्या क्या इसमें चीजें अगर हम देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स इनकॉर्पोरेट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन? आंसर रहेगा इसका डी, राइट टू इक्वालिटी। ये चीज मैंने अपनी क्लासेस में समझाई थी, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, जो लोग खासकर पॉलिटी की क्लास करके आए थे। बाद में जो लोग ये वीडियो देखेंगे, अभी तो क्योंकि सीसेट चल रहा होगा उन स्टूडेंट्स का, तो ये चीज को देखना है इसमें, राइट। नाउ कमिंग हियर, क्वेश्चन नंबर 35, इन इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इज एंजॉइंड बाय आर्टिकल 50 में दे रखा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में, ठीक है। तो बी इज द आंसर, आर्टिकल 50। ये भी मैंने क्या समझाया था, जिन लोग, जो लोग क्लासेस में है, 50-50 सेपरेशन, मतलब 50-50 बिस्किट का एग्जाम्पल हमने लिया था याद रखने के लिए कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव 50-50 है, इस वजह से आप आर्टिकल 50 जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है याद रख सकते हैं, ठीक है। नाउ 36, अलॉन्ग विद द बजट फाइनेंस मिनिस्टर ऑल्सो प्रेजेंट्स द अदर डॉक्यूमेंट्स। अगेन एम्फेसिस दे के, चिल्ला चिल्ला के इकोनॉमी की क्लासेस में बोला था, जिन लोगों ने एग्जाम से एक दो महीने पहले भी ये क्लासेस करी थी, ये क्वेश्चंस गलत हो जाए आपका कोई मतलब ही नहीं बनता। अगर गलत हुए हैं तो फिर छोड़ दो यूपीएससी। नाउ अलोंग विद बजट द फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट्स द अदर डॉक्यूमेंट्स बिफोर द पार्लियामेंट विच इंक्लूड द मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। द अफोरसेड डॉक्यूमेंट इज प्रेजेंटेड बिकॉज दिस इज मैंडेटेड बाय फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट 2018 में जो पास किया गया 2017 में, ठीक है। एनके सिंह पैनल कमेटी स्टडी करी गई थी, ठीक है। अब तुमने नहीं करी थी तो वो तुम्हारी गलती। और अगर हम इसमें देखें कहां कहां पे लिखा है, आर्टिकल 112 में लिखा है, नहीं लिखा, ठीक है। आर्टिकल 13 में लिखा है, नहीं लिखा कि आपको ये माइक्रो इकोनॉमिक, इस स्टेटमेंट में क्या होता है, निर्मला सीतारमण जैसे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जो इकोनॉमी को नहीं चला पाते अच्छे से, उनको ये बताना पड़ता है कि भैया आगे आने वाले पांच साल में, सॉरी दीदी आगे आने वाले पांच साल में क्या करोगी, ठीक है, कैसे इकोनॉमी को चलाओगी। सिर्फ नाम निर्मल है उससे सब कुछ कॉमन तो हो नहीं जाएगा, तो इकोनॉमी को कैसे चलाएंगे, ये सारी चीजें इसमें ब्यौरा दिया जाता है मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट में। लेकिन आजकल क्या है, अपना राज है, कुछ भी करेंगे क्या करेंगे नहीं, कुछ नहीं बताते, राइट। इनको भी फेक किया जाता है। ये एक हिंदू का एडिटोरियल आया था, फिस्कल मार्क्समैनशिप, जिन लोगों ने मेरे साथ इस एडिटोरियल को एनालाइज किया था उनको पता होंगी ये चीजें। नाउ कमिंग हियर, सो दीज थिंग्स आर देयर, देन मैक्रो इकोनॉमिक FRBM एक्ट 2003 के तहत अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इज अ गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेचर, राइट। नाउ गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेचर, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इज अ गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेचर, पॉपुलर गवर्नमेंट और मल्टी पार्टी गवर्नमेंट और लिमिटेड गवर्नमेंट। आंसर पहले भी बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, आंसर इज डी, ठीक है। 37th का आंसर है डी। लेट मी जस्ट रिफ्रेश दिस पीपीटी गाइस, जस्ट वन मिनट। इंटरनेट इशू हो गया, स्ट्रीमिंग बंद करना एक बार, यहां से नहीं, OBS से।
सो कमिंग बैक, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इज, आंसर इज डी, अ लिमिटेड गवर्नमेंट. ओके, लिमिटेड मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जहां पे रिटन होता है वहां पे गवर्नमेंट का जो जो एरिया ऑफ वर्क है, जो स्फीयर ऑफ वर्क है, वो लिमिटेड हो जाता है. गवर्नमेंट कैन नॉट इंट्रूड इनटू योर लाइव्स, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स में लिखा है गवर्नमेंट ये कर सकती है ये नहीं. गवर्नमेंट के ऊपर लिमिट लगाती है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट देयरफॉर बाय डेफिनेशन इज लिमिटेड गवर्नमेंट. ओके, तो ये चीज है. 37 का आंसर है डी. 38, अदर देन फंडामेंटल राइट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट the principles and provisions of the Universal Declaration on Human Rights. Question ये पूछ रहा है कि जो United Nations के या फिर जो world level पे Universal Declaration of Human Rights है 1948 की, उसके तहत दिए गए human rights, उसमें जो human rights चीजें जो declared हैं as a human right, वो किस किस इस aspect में दे रखी है, constitution के कौन कौन से part में दे रखी है, preamble में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में, या फंडामेंटल ड्यूटीज में भी. अच्छा क्वेश्चन है बहुत ही. फंडामेंटल राइट्स के अलावा यूनाइटेड नेशंस के यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में कही गई बातें, कहे लिखे गए ह्यूमन राइट्स और कहां कहां एन्यूमरेटेड है, कौन कौन से पार्ट में एन्यूमरेटेड है, तो आंसर इज बी. अब यहां पर भी वो तुक्का काम नहीं करेगा कि डी 1, 2 and 3 इज करेक्ट. ठीक है, तो यहां पे बी 2 ओनली. ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ओनली. क्लियर, तो दिस इज देयर. देन कमिंग हियर, इन इंडिया लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जो कि 1987 में बनाई गई थी, प्रोवाइड्स फ्री लीगल सर्विसेज टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सिटीजंस, जिनकी एनुअल इनकम 1 लाख रुपए से कम है, ट्रांसजेंडर विद एन एनुअल इनकम ऑफ लेस देन रुपीज 2 लाख, मेंबर ऑफ ओबीसी विद एन एनुअल इनकम ऑफ लेस देन रुपीज 3 लाख. ये हमने डेली द हिंदू न्यूज एनालिसिस बाय जतिन वर्मा में देखा था. जिन लोगों को नहीं पता, मैंने इसमें बैकग्राउंड एनालिसिस में ये चीज कवर करी थी जब हमारा ट्रांसजेंडर बिल्स का डिस्कशन चल रहा था. राइट, तो आंसर है इसका, क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर है ए. ए फॉर एप्पल, ए 1 and 2 ओनली. तो ये सारी चीजें हैं गाइज. देन लो इनकम, सीनियर सिटीजन और ट्रांसजेंडर 2 लाख रुपए, इसी के कॉन्टेक्स्ट में ये पूरा डेली न्यूज एनालिसिस में पूछा गया था. कौन कहता है कि करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस नहीं आए थे? अगर करंट अफेयर्स को एनालिटिकल मैनर में द हिंदू को, इंडियन एक्सप्रेस को और उसके बैकग्राउंड को न्यूज पेपर एनालिसिस के थ्रू चेक किया जाए तो डेफिनेटली क्वेश्चन आए थे. राइट, नाउ कमिंग हेयर, क्वेश्चन नंबर 40. This is their question number 40. Consider the following pairs international agreement setup. तो Alma Ata Declaration किस से related है ये? Hague Convention. Hague Convention पे बताया था, Talanoa Dialogue बताया गया था, Undertow Coalition भी बात करी थी हमने. Right? तो बताओ कौन कौन से हैं जिन लोगों ने DNA regularly follow किया था. I give you just 1 minute for this. So the answer to this question number 40 is A. Declaration of Alma Ata was adopted at the International Conference on Primary Health Care. Right? It expressed the need for urgent action by all governments, all health and development workers. So Hague Convention on Civil Aspects of International Child Abduction. ये बहुत बार हमारे DNA में, जो कि मैं मॉर्निंग में करते हुए आ रहा हूँ, उसमें रिपीट किया गया था गाइज, जिन लोगों को नहीं पता. तो देन Talanoa Dialogue was convened as a part of UN climate talks to is paired. तो Undertow Coalition is a global community of state and regional governments committed to ambitious climate change action in line with Paris Agreement. Undertow Coalition भी discuss किया गया था. तो ये था question number 40. 41. With reference to history of India, consider the following pairs. Orang in charge of treasury of the state. This Banina, Indian agent of the East India Company. This Mirasidar, designated revenue payer to the state. Which of the pairs given above are correctly matched? Mirasidar, designated revenue payer to the state.
41, the answer to question number 41 is B, right? B for Bombay, 2 and 3. तो ये सारी इसकी अंडरलाइंग एक्सप्लेनेशन आप पढ़ेंगे खुद से. क्वेश्चन नंबर 42, विद रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. सातवीरा वदिन्स बिलोंग टू दिस महायान बुद्धिज्म. देन लोकतारा वदिन सेक्ट वॉज एन ऑफशूट ऑफ महासंगिका सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म. डीफिकेशन ऑफ डीफिकेशन ऑफ बुद्धा बाय महासंगिकास फॉस्टर्ड द महायान बुद्धिज्म. तो जिन लोगों ने डिटेल में पढ़ रखा है, हिस्ट्री ऑप्शनल है या नहीं है, ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए था वैसे. तो आंसर टू क्वेश्चन नंबर 42 इज बी, 2 एंड 3 ओनली, राइट? वी हैव टेकन द स्क्रीनशॉट फ्रॉम वन ऑफ द हिस्ट्री बुक्स ओनली. क्लियर? पढ़ सकते हो अंडरलाइन एक्सप्लेनेशन. पीडीएफ आप डाउनलोड करोगे टेलीग्राम चैनल @JatinVarma71 से. टेलीग्राम चैनल का लिंक इस यूट्यूब वीडियो के नीचे भी आपको मिल जाएगा. एंड गाइस, पीटी मास्टर टेस्ट सीरीज में से कितने क्वेश्चंस, जेवीज पीटी मास्टर टेस्ट सीरीज में से कितने क्वेश्चंस क्लिक हुए थे, इसका आपको थ्रेड बेयर एनालिसिस, क्लिक रेशियो कितना था हमारी टेस्ट सीरीज का जो कि अभी शुरू होने जा रही है 10 अक्टूबर से, और मेंस की टेस्ट सीरीज हमारी स्टार्ट होने जा रही है 1 नवंबर से, इसका पूरा जायजा आपको मिल जाएगा. वेबसाइट पे पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी. वेबसाइट पे आप डिटेल्स चेकआउट कर सकते हैं आपसे 1 से 2 दिन में. प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज 10th ऑफ अक्टूबर से स्टार्ट होने जा रही है, इसका लिंक आपको टीम अभी प्रोवाइड कर देगी 10th ऑफ अक्टूबर. अभी लिमिटेड पीरियड डिस्काउंट चल रहा है तो आप इसको एनरोल कर सकते हैं. इसमें क्या रहेगा कि एक्सप्लेनेशन भी रहेंगी, टोटल 17 टेस्ट रहेंगे जिसमें कि हम इसी तरह के क्वेश्चन देखेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स से. नाउ so this is there. Coming to the other aspects, question number 43, which of the following statements correctly explains the impact of industrial revolution on India during the first half of the 19th century. So Indian handicrafts were ruined, machines were introduced in the Indian textile industry in large numbers, रेलवे लाइंस वर लेड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री. तो ये जिन लोगों ने बिपिन चंद्रा और ये सब बुक्स पढ़ी हैं डिटेल में, उसमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, या जिन्होंने प्लासे टू पार्टीशन जैसी बुक्स पढ़ी हैं, राइट? प्लासे टू पार्टीशन बाय शेखर बंदोपाध्याय, उसमें डिटेल में हिस्ट्री दे रखी है. अगर आप उनसे हिस्ट्री पढ़ते भी हो तो भी फायदा ये होता है कि मेन्स में आप अच्छा आंसर लिख सकते हो, राइट? दिस इज देयर. देन 43 का है आंसर ए, राइट? 44, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. राइज ऑफ प्रतिहाराज अंडर किंग भोजा, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पल्लवा पावर अंडर महेंद्र वर्मन 1, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ चोला पावर बाय परंतक 1, पल्लव डायनेस्टी फंडेड बाय गोपाला. तो व्हाट इज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इसमें आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है ऑफ द अबव इवेंट्स, कौन सा इवेंट पहले हुआ था और कौन सा इवेंट लास्ट में हुआ था. सो प्लीज ऑल्सो मेंशन द क्वेश्चन नंबर व्हाइल आंसरिंग इन द कमेंट सेक्शन. क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर, आई गिव यू 30 सेकेंड्स जो लोग आंसर करना चाहते हैं इसको. आंसर टू क्वेश्चन नंबर 44 इज सी, 2, 4, 1 एंड 3. ये है इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. यूपीएससी नॉर्मली आजकल क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस वाले, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंसिंग वाले क्वेश्चंस नहीं पूछ रही, बट ये एक एक्सेप्शन कह सकते हो. इस साल पूछे गए हैं, पिछले 1-2 सालों में नहीं पूछे जा रहे थे, राइट? क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस डिफाइंस द नेचर ऑफ हुंडी. अब आप यहां पर देखोगे हुंडी एक कॉमर्शियल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है. एन एडवाइजरी इशूड बाय द किंग टू हिज सबॉर्डिनेट्स, अ डायरी टू बी मेंटेन फॉर डेली अकाउंट्स, अ बिल ऑफ एक्सचेंज, एन ऑर्डर फ्रॉम द फ्यूडल लॉर्ड. तो आंसर है इसका सी, क्लियर? बिल ऑफ एक्सचेंज. अब लेकिन यहां पे ये पूछा गया है हर्षा पीरियड में क्या था, ठीक है. लेकिन ये बच गए जो लोग
हर्षा पीरियड के कॉन्टेक्स्ट में हुंडी को नहीं पढ़ के गए थे, इट वॉज अ काइंड ऑफ क्लोज शेव फॉर देम, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया, बट हर्षा पीरियड में हुंडी क्या था क्या नहीं था, ये सारी चीजें जो है किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे। हुंडी क्या होता है कि अगर आप किसी से उधार पे चीज खरीद रहे हो तो हुंडी एज अ मेथड इज यूज, ठीक है। हुंडी इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज, कि आप किसी को 3 महीने के बाद पैसे दोगे तो हुंडी जो है एक कागज है जिसपे कि आप लिख के देते हो, डिक्लेयर करते हो कि आपको इस पर्सन को, पर्सन ए को पर्सन बी को पैसे देने हैं, क्लियर। तो 45 आंसर सी, 46 विद रेफरेंस टू द बुक देशर कथा रिटन बाय सखारन गणेश देशकर देशकर ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट वॉन्ट अगेंस्ट दी कॉलोनियल स्टेट्स हिप्नोटिक कॉन्क्वेस्ट ऑफ द माइंड। क्या इस बुक ने कॉलोनियल स्टेट के अगेंस्ट हाइप्नोटिक कॉन्क्वेस्ट ऑफ माइंड जो कॉलोनियल स्टेट कर रही थी उसके बारे में लोगों को बताया था। इट इंस्पायर्ड द परफॉर्मेंस ऑफ स्वदेशी स्ट्रीट प्लेज एंड फोक सॉन्ग्स। द यूज ऑफ देश बाय देशकर वॉज इन द स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रीजन ऑफ बंगाल। गणेश देवस्कर ने जो बुक लिखी थी उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन कहेंगे हम इसे। आंसर इज ए, राइट। कॉलोनियल स्टेट के हाइप्नोटिक कॉन्क्वेस्ट ऑफ माइंड के बारे में आगाह करने के लिए ये बुक लाई गई थी, क्लियर। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 47, गांधी इरविन पैक्ट इंक्लूडेड विच ऑफ द फॉलोइंग। जो लोग डेली द हिंदू न्यूज एनालिसिस ग्रुप पे थे, फर्स्ट ऑफ 30th ऑफ सितंबर और 1st अक्टूबर की नाइट को मैंने ये क्वेश्चन पूछा था, बोलो यस पूछा था कि नहीं, रात को 1 से 1.30 बजे 2 बजे डेली द हिंदू न्यूज एनालिसिस वाले ग्रुप पे, इफ समबडी वॉज देयर। सो ये जो क्वेश्चंस हैं, ऐसा नहीं है कि हमने टेस्ट सीरीज में नहीं पूछे, आई वॉज रैंडमली आस्किंग द क्वेश्चंस फ्रॉम द स्टूडेंट्स, उसमें ये गांधी इरविन पैक पे ये क्वेश्चन पूछा था कि क्या गांधी जी ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था या नहीं किया था, और किया था तो क्यों किया था। आप आर्काइव्स में जाके देख सकते हो चैट की, रीजन क्या था, रीजन ये था, मैंने स्टूडेंट्स को ये बोला था 1920 है तो गांधी जी के अराउंड क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्योंकि हम कहां हैं 2020 में है। यही है यूपीएससी के सिली लॉजिक्स या फिर शॉकिंग मैजिक्स, ठीक है। तो यही इसी वे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो लोग वहां पे ग्रुप में थे उनको पता होगा। सो दिस इज देयर इनविटेशन, विद्रॉल ऑफ ऑर्डिनेंस प्रोमुलगेटेड इन कनेक्शन विद द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, एक्सेप्टेंस ऑफ गांधी जी सजेशन फॉर इंक्वायरी इन टू द पुलिस एक्सेसेस। पुलिस ने जो उस टाइम पे लाठीचार्ज और ये सब जो चीजें कर रखी थी उसके बारे में हाईलाइट करने के चलते इरविन से, अगर गांधी जी चाहते तो इरविन से भगत सिंह की माफी माफ करवा सकते थे, ये सारी चीजें हुई थी उस टाइम पे, राइट। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। आंसर इज बी फॉर बॉम्बे, फीचर्स ऑफ गांधी इरविन पैक्ट, ये सारी चीजें हैं। वाइटल और वाइटल विध्वंसक द फर्स्ट मंथली जर्नल टू हैव अनटचेबल पीपल एज इट्स टारगेट ऑडियंस वॉज पब्लिश्ड बाय विटल विध्वंसक, किसने पब्लिश किया था, गोपाल बाबा वालंगकर देन ज्योतिबा फूले एंड देन मोहनदास करमचंद गांधी, भीमराव रामजी अंबेडकर, किसने लिखा था ये, आंसर आपको बताना है। आंसर इज ए, गोपाल बाबा वालंगकर, ऑल्सो नोन एज गोपाल कृष्ण, क्लियर। 48 का आंसर ए। अब आते हैं 49 पे, विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया द टर्म्स कुलियावप्पा एंड द्रोणावप्पा डिनोट, कुलियावप्पा एंड द्रोणावप्पा डिनोट मेजरमेंट ऑफ लैंड, कॉइन्स ऑफ डिफरेंट मॉनेटरी वैल्यू, क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन लैंड, रिलीजियस रिचुअल्स, प्लीज आंसर। विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, किस कॉन्टेक्स्ट में, आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए, निवरत्न वॉज अ लैंड मेजरमेंट इन गुप्ता पीरियड, डिफरेंट लैंड मेजर्स वर नोन इन डिफरेंट रीजन सच एज निवरत्न एंड देन कुलियावप्पा एंड द्रोणावप्पा, राइट। तो ये था इसका आंसर 49 का। क्वेश्चन नंबर 50, आधे क्वेश्चन पे आ गए हम, 50 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए, टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स एडवाइज सी सब्जेक्ट हिज सब्जेक्ट्स थ्रू द इंस्क्रिप्शन, कौन से रूलर ने अपने सब्जेक्ट्स को, अपनी प्रजा को इंस्क्रिप्शंस के जरिए संबोधन किया था, एड्रेस किया था। हुसोएवर प्रेजेस हिज रिलीजियस सेक्ट
or blames other sects out of excessive devotion to his own sect. Agar koi apne religion ki taraf excessive devotion ke chalte kisi aur dharm ko blame karta hai with view of glorifying his own sect, he rather injures his own sect very severely. Kisne kaha tha ye? कि अगर आप अपने रिलीजन के चलते किसी दूसरे के रिलीजन को क्रिटिसाइज करते हो तो आप अपने ही रिलीजन को क्रिटिसाइज कर बैठते हो. ए ठीक है, धम्मा पॉलिसी. इससे इजी क्वेश्चन नहीं आ सकता है ना. ये सारी चीजें क्वेश्चन नंबर 51. जस्ट अलाउ मी टू रिफ्रेश दिस गाइस, क्योंकि पीछे टीम जो है बैक एंड पे काम कर रही है एंड आई एम स्टैंडिंग हियर डूइंग दिस फॉर यू. क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फर्टिगेशन इन एग्रीकल्चर. फर्टिगेशन की एडवांटेजेस क्या है? कंट्रोलिंग द एल्कलिनिटी, बेसिक नेचर ठीक है ऑफ द इरिगेशन वाटर इज पॉसिबल. अगेन एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस वापस आते हुए. कंट्रोलिंग द एल्कलिनिटी, एफिशिएंट एप्लीकेशन ऑफ रॉक फॉस्फेट एंड ऑल अदर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स इज पॉसिबल. इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स इज पॉसिबल. रिडक्शन इन द लीचिंग ऑफ केमिकल न्यूट्रिएंट्स इज पॉसिबल. What are the advantages of fertigation? पहले तो ये पता होना जरूरी है कि fertigation है क्या. PDF you guys can download from www.jatinvarma.org, right? या फिर आप Telegram channel पे भी PDF इसका पा सकते हो guys, जिन लोगों को नहीं पता. टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है. जतिन वर्मा 71t.me टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके आप डेली बेसिस पे इसका, ये आपको लिंक शेयर कर दिया गया टेलीग्राम का. 51, व्हाट इज द आंसर टू दिस. सी राइट, 1, 3 and 4. 1, 3 and 4 is the answer to question number 51. आगे चलेंगे. PDF इसका पूरी explanation के साथ आप download कर सकते हो और ये video को आप website www.jatinvarma.org पे भी देख सकते हो. Same video is being telecast on the website as well. Question number 52. Consider the following minerals: bentonite, chromite, kyanite and sillimanite. In India, which of the above is or are officially designated as major minerals? चाइना के कॉन्टेक्स्ट में, चाइना के ऊपर जो बैन लगाने की बात की जा रही है उसका उसी के कॉन्टेक्स्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था. सो प्लीज आंसर क्विकली. जिन लोगों को पता है ये सारे मिनरल्स हमने और भी इनकॉर्पोरेट कर दिए हैं नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स में, इनके नाम दिए गए थे. तो लिस्ट ऑफ मिनरल्स यूज्ड इन द एस्टिमेशन ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड, GVA में कौन कौन से केमिकल्स को मेजर किया जाता है, ठीक है. मेजर मिनरल्स, केमिकल्स, मिनरल्स, इनकी लिस्ट रहती है. इस बार मिनरल्स पे पूछा गया ये क्वेश्चन, तो बी केयरफुल फॉर द नेक्स्ट टाइम. मेजर मिनरल्स, और ये अगली बार के लिए इस लिस्ट को आप डाउनलोड कर लें वेबसाइट से या टेलीग्राम चैनल से और मेमोराइज कर लें इसे, ठीक है. 2, 3 and 4 यानी कि क्रोमाइट, कायनाइट एंड सिलिमेनाइट. देन 53, विद रेफरेंस टू ओशन मीन टेम्परेचर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट. OMT is measured up to a depth of 26 degrees Celsius, isotherm. तो इसका आंसर है आपका 53 का बी, 2 ओनली, राइट. क्यों है आंसर, एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे. 54, विद रेफरेंस टू केमिकल फर्टिलाइजर्स इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. एट प्रेजेंट द रिटेल प्राइस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इज मार्केट ड्रिवन. ये क्वेश्चन भी मैंने इकोनॉमी में कवर किया था, अभी करंट अफेयर्स राउंड अप कोर्स जो है उसमें कवर किया था, जो इसकी क्लासेस दोपहर को 2 बजे होती हैं. जो स्टूडेंट्स उसमें हैं दे विल अटेस्ट टू दिस फैक्ट. ये चीज हमने कवर करी थी क्लास में. रिटेल प्राइस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इज मार्केट ड्रिवन एंड नॉट एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट. इसकी एक क्लास 15-14 सितंबर को यूट्यूब पे भी शेयर करी गई थी. जतिन वर्मा IAS Academy नाम का जो ये यूट्यूब चैनल है. अमोनिया विच इज एन इनपुट ऑफ यूरिया इज प्रोड्यूस फ्रॉम नेचुरल गैस. सल्फर विच इज अ रॉ मटीरियल फॉर फॉस्फोरिक एसिड फर्टिलाइजर इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरीज. तो नेचुरली अगर इसको आप गेस भी करोगे, सल्फर इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरीज, यस. जैसे जैसे भारत स्टेज 6,
फोर, ये हम बढ़ते चले जा रहे हैं इनसे, वैसे वैसे सल्फर ज्यादा न्यूज में आ रहा था, राइट? और सल्फर कंटेंट कम होते जा रहा है फ्यूल में. अब क्योंकि वो फ्यूल में कम हो रहा है तो रॉ मटेरियल के रूप में फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को बेचा जा रहा है. क्लियर? तो आंसर टू 54 इज बी, 2 और 3. क्लियर? कॉमन लॉजिक भी लगाओगे तो भी ऐसे क्वेश्चन आंसर कर सकते हो. देन कमिंग हियर 55, विद रेफरेंस टू इंडिया डेजर्ट नेशनल पार्क, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? इट इज स्प्रेड ओवर 2 डिस्ट्रिक्ट्स. क्या वो 2 जिलों में डिस्ट्रीब्यूटेड है, स्प्रेड अक्रॉस है? देर इज नो ह्यूमन हैबिटेशन इन साइड द पार्क. इट इज वन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो. A 1 and 2 only, B 2 and 3 only, C 1 and 3 only, D 1, 2 and 3. What is the answer? Anybody, any guesses, any idea? Please answer. 55 का answer is C. Desert National Park covers an area of 3162 square kilometer. ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं. However, human population within the DNP is low. सेकेंड इज रॉन्ग, आंसर हो जाएगा सी 55. जस्ट वन मिनट, देयर इज अ रेपिटेशन. जस्ट वन मिनट गाइस, एक बार इसे रिफ्रेश करना पड़ेगा. देयर इज अ रेपिटेशन इन क्वेश्चन नंबर 55, प्लीज अवॉइड दैट. इग्नोर इट गाइस. क्वेश्चन नंबर 56, सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड टू दी. ऑब्वियस क्वेश्चन था क्योंकि पैंगोंग सो पे जो चाइना इंडिया क्राइसिस चल रहा है, इंडो चाइना बॉर्डर क्राइसिस, उसके चलते बार बार ये क्वेश्चन, जो मेरा फ्री कोर्स है डेली न्यूज एनालिसिस कोर्स ऑन यूट्यूब, उसमें हमने ये बार बार ये चीजें देखी थी. मैंने आपको बोला था कि इसके बारे में पढ़ लेना. इजी क्वेश्चन था रिलेटिवली, राइट? ओके, 56 का आंसर है आपका डी. इट इज लोकेटेड नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली. तो ये सारी चीजें, ये मैप को हमने बार बार यूज किया था डीएनए में. तो डेली डीएनए मींस डेली द हिंदू न्यूज एनालिसिस बाय जतिन वर्मा, विच आई हैव बीन डूइंग फॉर लास्ट 3 to 4 ईयर्स नाउ. एंड उसमें से हर साल 25 से 30 क्वेश्चन पाए जाते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, राइट? तो आप लोग उसको फॉलो कर सकते हो, उस कोर्स को. देन 57, विद रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कंसिडर दी फॉलोइंग पेयर्स. फेमस प्लेस दिस भिलसा मध्य प्रदेश में है या नहीं, अब आपको इसमें मैच करना है. विच ऑफ दी अबव पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? आंसर है 57 का विदिशा, 57 का आंसर सी हो जाता है. 2 और 3 आर करेक्टली मैच्ड. द्वार समुद्र महाराष्ट्र में है, गिरिनगर गुजरात में, राइट? सो दिस इज देयर. 58 पे आते हैं हम क्विकली. कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. 36% ऑफ इंडियाज डिस्ट्रिक्ट्स आर क्लासिफाइड एज ओवर एक्सप्लॉयटेड. नीति आयोग की वाटर क्रिटिकलिटी जो रिपोर्ट आई थी कि वाटर, जो ग्राउंड वाटर लेवल डिप्लीट होते चले जा रहा है, वाटर स्ट्रेस देखने को मिल रहा है, उसके बाद आपका जल शक्ति मिशन लाया गया, तो इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन स्कीम से ही या नीति आयोग के वाटर इंडेक्स से बोरोड है, राइट? देन सेकेंड, CGWA वॉज फॉर्म्ड अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट. सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर बनाई गई है या नहीं? इंडिया हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर ग्राउंड वाटर इरीगेशन इन द वर्ल्ड. तो दिस आई हैड एनालाइज्ड इन द डेली न्यूज एनालिसिस. बताओ ये सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी किस एक्ट के अंडर बनाई गई है? अभी रिसेंटली भी वाटर क्राइसिस पे मैंने एक लेक्चर लिया था जो कि पेड क्लासेस में था, उसमें भी बताया था, लेकिन फ्री के डीएनए में भी बताया गया था ये, राइट? बताओ, आंसर दिस क्वेश्चन गाइस. Now, which of these statements given above is or are correct? A 1 only, B 2 and 3 only, C 2 only, or D 1 and 3? Please answer and also mention the question number. Prelims 2020 को हम analyze कर रहे हैं, UPSC का जो 4 अक्टूबर यानी कि आज हुआ था 9:30 से 11:30 पे. UPSC Civil Services Exam Prelims 2020. So 58 का आंसर है बी. दो इंडिया इज अमंग द टॉप 10 वाटर रिच कंट्रीज, ऑलमोस्ट अ थर्ड ऑफ द वाटर, ऑलमोस्ट अ थर्ड, वन थर्ड
एक तिहाई हिस्सा कंट्री का पांच डे, ठीक है। ग्राउंड वाटर जो बॉर्ड, ये वाटर बॉर्ड है हमारा, 256 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं 718 में से जो कि वाटर स्ट्रेस्ड हैं, ठीक है। तो इनकरेक्ट हो गई ये। अथॉरिटी जो है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर ही कॉन्स्टिट्यूटेड है। क्वेश्चन नंबर 59, जेट स्ट्रीम्स अकर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ओनली। जेट स्ट्रीम्स अकर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ओनली, ओनली सम साइक्लोन्स डेवलप एन आई। साइक्लोन क्योंकि काफी ज्यादा न्यूज में थे साइक्लोन्स, तो इसीलिए साइक्लोन की आई क्या होती है, जो साइक्लोन का सेंटर का पार्ट होता है ये पार्ट, इसको साइक्लोन की आई कहा जाता है, राइट। इन द आई ऑफ द स्टॉर्म, जो कि एक प्रोवर्बियल स्टेटमेंट भी रहता है, द टेम्परेचर इन साइड द आई ऑफ अ साइक्लोन इज नियरली 10 डिग्री सेल्सियस लेसर देन दैट ऑफ सराउंडिंग। क्या इसके अंदर का जो टेम्परेचर है 10 डिग्री कम होता है आउटर सराउंडिंग से, तो ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर ज्योग्राफी है, प्योर ज्योग्राफी 59 का आंसर है बी, राइट। सॉरी यहां पे कुछ मिस्टेक हो रही है। सो व्हाट आई विल डू इज नाउ एज द टीम इज वर्किंग इन द बैक एंड वी विल बी एडिंग मोर क्वेश्चंस, स्टे ट्यून्ड, डोंट गो एनीवेयर, डोंट गो एनीवेयर। 5-10 मिनट के अंदर दोबारा हम हाजिर होंगे रिमेनिंग 40 क्वेश्चंस के एनालिसिस के साथ। और गाइस चलते चलते बताना चाहूंगा, हमारी वेबसाइट www.jatinvarma.org पे 15 अक्टूबर को एक टेस्ट रखा जाएगा, जिसमें कि हम जेवीज लर्निंग टैब, सैमसंग का जो टैबलेट रहता है, वो वी प्रोवाइड एज अ फर्स्ट प्राइज टू द टॉपर एवरी फोर्टनाइट। हर 14 दिन में एक टेस्ट रहता है, जो कि आप वेबसाइट पे जाके जिसकी डिटेल्स चेकआउट कर सकते हैं। और 2021 के लिए इंटीग्रेटेड जीएस बैच, जिसमें कि मैं पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू कवर, दैट कोर्स इज ऑलरेडी गोइंग ऑन। आप लोगों को अगर उसमें एनरोल करना है पॉलिटी की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, इकोनॉमी के लिए, ज्योग्राफी के लिए, तो आप अभी भी एनरोल कर सकते हैं। आई विल बी कमिंग बैक इन अनदर 15-20 मिनट्स, स्टे ट्यून्ड फॉर द रिमेनिंग 40 क्वेश्चंस। थैंक यू।